नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जान से मारने की जो धमकी है वो दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को PCR पर एक कॉल आता है जिसमें एक युवक इन तीनों को मारने की धमकी देता और कहता है कि हम तीनों की जान ले लेंगे। आपको बता दें, इसके बाद जो देश की सुरक्षा एजेंसी है वो सचेत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है, नीतीश कुमार की भी सुरक्षा जो है वो बिहार में बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इसी दौरान प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका के दौरे पर है और वहाँ भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी से बात कर उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और वहाँ की सिक्योरिटी जो पहले से ही सचेत थी वो अब और भी ज़्यादा सचेत हो गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है जिसमें तीनों को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को मारने की जो धमकी है वो दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने क्या बताया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आउटर जिले के पुलिस को आज सुबह एक शख्स ने PCR कॉल कर बिहार CM को जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद दूसरी कॉल आई जिसमें PM और गृह मंत्री को भी जान से मारने की धमकी दी। तो इसके मुताबिक दो कॉल्स आई मित्रों, और इसमें पहली कॉल में जो है वो प्रधानमंत्री दिल्ली पुलिस के पास, जिसमें पहली एक कॉल में जो बिहार के CM है नीतीश कुमार उनको मारने की धमकी दी गई, दूसरी कॉल में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दिल्ली पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान हो गई है। जी हाँ, युवक की पहचान कर ली गई है। उसका नाम संजय वर्मा बताया गया है, जो दिल्ली के मादीपुर इलाके का रहने वाला है। जब उसके परिवार वालों से दिल्ली पुलिस ने बातचीत की, जब छानबीन करते हुए वो वहां पहुंची, तो परिवार वालों ने बताया कि संजय कल रात से ही शराब पी रहा है और दिल्ली पुलिस संजय की तलाश कर रही है। यानी कि वो घर पे नहीं मिला, वो कल रात से शराब पी रहा है, ऐसे घर वालों ने बताया और वो लापता है। आपको बता दें कि कहां है इस वक्त PM मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, वहीं बिहार के जो CM नीतीश कुमार है वो बिहार में ही है। उनका भी दौरा था तमिलनाडु का, जो उन्होंने रद्द कर दिया था अपनी सुरक्षा, अपने हेल्थ को, यानी कि अपनी तबीयत को देखते हुए, क्योंकि उनकी तबीयत जो काफ़ी थी वो ढीली मानी जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने तमिलनाडु का जो दौरा था वो रद्द कर दिया था। उनकी बजाय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के वो गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से उनको मारने की धमकी मिली है उस पर बिहार के CM की जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई। आपको बता दें कि बिहार के CM नीतीश कुमार की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार पुलिस के SSG यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप को दी गई है और उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई। आपको बता दें कि इससे पहले एक बार पहले भी बिहार के CM की सुरक्षा में चूक देखी गई थी, जिसमें हाल ही में सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान रेसिंग मोटरसाइकिल चलाने वाले ग्रुप जो थे वो उनके रूट पर आ गए थे। हाँ, ये भी एक सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक जो है वो मानी गई थी। वहीं जो अमित शाह, यानी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी सिक्योरिटी CRPF को दे दी गई है। उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको Z कैटेगरी सुरक्षा भी मिली हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वह सुरक्षा में है और उनके सुरक्षा चक्र को भेद पाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। यानी कि पहले से भी जो उनको सुरक्षा मिली हुई है वो पहले से ही कड़क है और भी ज़्यादा उनकी जो एक्टिवनेस है उसको बढ़ा दिया गया है। और ये जो डेथ थ्रेट्स मिले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बिहार के CM को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े डेथ थ्रेट्स के रूप में, बहुत बड़ी खबर के रूप में देखे जा रहे हैं। और जैसे ही ये संजय वर्मा नाम का जो लड़का है जिसने ये कॉल्स की है, जैसे ही दिल्ली पुलिस उसको पकड़ लेती है, तब इसके पीछे की असली वजह सामने आएगी कि ऐसा उसने क्यों किया। तब तक के लिए आप कहीं मत जाएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।